ओके हम सबको गूगल क्रोम पसंद है, हम सब यूज करते हैं गूगल क्रोम, पर ये 5 ट्रिक्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और मे भी 2-3 बोनस ट्रिक्स, वो आपका गूगल क्रोम का एक्सपीरियंस और अच्छा कर देगी। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ओके तो फर्स्ट ट्रिक जो है वो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई ना चेक करे, या कोई आप किसी को कंप्यूटर अपने दान कर देते हैं थोड़े देख ले बोरो करने देते हैं, तो वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ना देखें या आपकी यूट्यूब रिकमेंडेशंस को खराब ना करें। तो अगर आप यहां देखेंगे, यहां जहां पर ए है या आपका जो भी नाम रहेगा प्रोफाइल का बटन होगा, यहां क्लिक करेंगे और यहां पे आपको जब क्लिक करने के बाद यहां आपको दिखेगा ओपन गेस्ट विंडो, जिसको अगर आप ओपन करेंगे एक सेपरेट विंडो खुल जाएगी यहां पे आपके लिए, तो आपका फ्रेंड या आपकी मम्मी पापा जो भी है यहां पे आराम से चला सकते हैं उसको, तो वो चाहे तो यूट्यूब चलाए जो मर्जी चलाए आराम से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई नया उसको भी ऐड कर सकते हैं, यूजर को भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ मैनेज पीपल में जाना पड़ेगा और वहां जाके आप एक नया यूजर ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई रेगुलरली यूज करना चाहते हैं, तो ये भी एक फीचर रहेगा आपके लिए। ओके तो सेकंड फीचर आप लोगों के लिए, जो लोग जैसे यूट्यूब चला रहे होते हैं या कोई भी ब्राउजर आपने टैब खोला होगा उसका और यहाँ पे आप सर्च करते हैं आराम से एक्सप्लेनेशन, क्या आप सोच रहे हैं भाई हम जाके इसकी वीडियोज देख ही लेते हैं, आप देखते हैं भाई हमने तो सब्सक्राइब किया ही नहीं है, तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर जैसे आप सब्सक्राइब करने लगते हैं किसी वजह से ये यूट्यूब टैब जो आपका बंद हो जाता है। अब आपका टैब अपने आप बंद हो गया, आप चाहते हैं कि इसको दोबारा खोल लूं, तो वो कैसे आप करेंगे, सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट और टी, और जैसे कि आप देख सकते हैं जादू वापस आ गया वो टैब, तो ये आपका तरीका रहेगा अगर आप अपना टैब बंद कर देते तो इस कंट्रोल शिफ्ट और टी से आप वापस ला सकते हैं उस टैब को, और साथ में बोनस स्टेप आप कंट्रोल टी करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा, कंट्रोल टी करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा, कंट्रोल टी करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा। नंबर टू टिप थी। अब नंबर थ्री टिप में आते हैं, इतने टैब तो हमने खोल दिए और बार बार माउस को वहां ले जाना और क्लिक करना, इधर क्लिक करना, इधर क्लिक करना, कभी कभी थोड़ा सा आपके लिए पड़ जाता है कि हाँ भाई कौन बार बार क्लिक करे। याद है आपको अगर आपने फीचर्स देखे हैं विंडोज के, आपको पता है आप ऑल टैब करके एक से दूसरे ब्राउजर में जा सकते हैं आराम से, पर यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे कंट्रोल और टैब दबा के करेंगे तो देखिए आप इसमें चले गए, सेकंड में अगले ब्राउजर टैब में चले गए, नेक्स्ट ब्राउजर टैब, नेक्स्ट ब्राउजर टैब, आप ऊपर देख सकते हैं हम कंट्रोल टैब से ब्राउजर के आगे पीछे आगे जा सकते हैं, आगे बेसिकली अगर आप कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे तो पीछे जा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैं पीछे जा रहा हूं और ये कंट्रोल टैब से आगे, पर अगर आपने किसी स्पेसिफिक टैब में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल टू, तो मैं सेकंड टैब पे चला गया, कंट्रोल वन मैं पहले टैब में चला गया, मतलब कंट्रोल और कोई नंबर दबाएंगे तो आप उस टैब में जा सकते हैं, कंट्रोल फोर अब मैं चौथे टैब में चला गया, तो ये एक आपके लिए थर्ड पॉइंट आ जाएगा, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस नंबर, आप किसी भी टैब के बीच में आराम से यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं, आराम से उनके बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, आप टेक्सप्लेनेशन का ही आपने अगेन चैनल खोला हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे जैसे आपने टेक्सप्लेनेशन का चैनल खोला, आपको चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी इस टेक्सप्लेनेशन का मिल जाए। ऑफ कोर्स आप कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन तो दबा ही सकते हैं, जो कि आपको दबाना चाहिए बाय द वे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, बट इन केस आपको फिर भी जल्दी अगर एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर जाके इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, तो आप यहां पर ड्रैग करके इस बुकमार्क बार पे छोड़ दीजिए, मतलब आपको पकड़ना है खींचना छोड़ देना, और देखिए यहाँ पे बुकमार्क बार पे आपका सीधा एक्सप्लेनेशन आ गया, आप जो भी आप बुकमार्क रखना चाहते हैं वहां आ गया, अब डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं जल्दी से, या आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ड्रैग कीजिए विंडोज डी दबाइए या यहाँ कोने में ले जाइए और यहाँ छोड़ दीजिए, देखिए आपका यहाँ पर भी एक तरह से बुकमार्क ही बन गया, बट ये एक आपके नंबर चौथा पॉइंट था, चौथा फीचर था। अब हम चलते हैं पांचवें फीचर की तरफ जो कि है टास्क मैनेजर। नहीं, मैं ये कंट्रोल और डिलीट वाला टास्क मैनेजर की बात नहीं कर रहा, उसका हमें कोई मतलब ही नहीं। आप कभी अपना टास्क मैनेजर खोलते हो, आपको पता है क्रोम बहुत ज्यादा आपके रिसोर्सेज ले रहा है, बहुत ज्यादा रैम ले रहा है, बहुत ज्यादा सीपीयू ले रहा है, तो आपको पता नहीं है कौन सा टाइप कितना रिसोर्सेज ले रहा है। उस चीज के लिए स्पेसिफिकली उस चीज को देखने के लिए गूगल ने इसके अंदर ही क्रोम के अंदर ही अपना एक टास्क मैनेजर बनाया, जिसको अगर आप शिफ्ट प्लस एस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका अपना ही खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल क्रोम का यहाँ पे आपका दिख रहा है कि 15.6% या 6% जितने भी परसेंट आपका सीपीयू ले रहा है और इतनी रैम ले रहा है, और उसमें से ये एक्सटेंशन इतनी रैम ले रहा है और ये एक्सटेंशन इतनी रैम ले रहा है, तो ये टास्क मैनेजर क्रोम का, विंडोज का नहीं क्रोम का, और यहां से आप चीजें हैंडल कर सकते हैं। ओके मैंने आपको कहा था 5 टिप्स, बट मैंने आपको बोनस टिप्स के बारे में भी कहा था, तो ये रही बोनस टिप्स। सबसे पहली तो ये रहेगी कि अगर आप यहां जाएंगे अटारी ब्रेकआउट, ये सर्च कीजिए जरा, और जब आप इसको सर्च करके इमेजेस पे जाएंगे तो देखिए आपके सामने क्या आ जाएगा अभी। आई मीन सबको पता है वो डायनासोर वाली गेम, बट सीरियसली ये बहुत ही मजेदार है, आप खेल सकते हैं।
तो ये आपके पास एक ईस्टर एग रहेगा। दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे मोबाइल पे, तो चलिए 2 मिनट के लिए मोबाइल पे चलते हैं। तो ये काफी फनी ईस्टर रहेगा अगर आप क्रोम खोलते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में, आईफोन में नहीं, आईफोन में आप चलता नहीं है, मे बी आपके फोन में चलता हो, आप ट्राई कर लीजिए, बट मोस्टली नहीं चलता। तो अगर आप क्रोम खोलेंगे अपने एंड्रॉयड में और ऐसे टैब में जाएंगे, ये टैब वाला आप ग्राहक होगा और इसको 5 बारी ऊपर ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे तो ऐसे पलटी खाएगा। तो एक ऐसे फन सा ईस्टर रह गया, 5 बारी ऐसे ऐसे ऊपर कीजिए और ये अपने आप पलटी खाएगा। तो ये था एक सेकंड बोनस फीचर जो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ हर हफ्ते, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे। आपके पास कोई आइडिया तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और फाइनली सब्सक्राइब तो मैंने शायद बोल ही दिया, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं खेलता हूँ गेम और मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।